आइए भक्तों, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की एक ऐसी विचित्र कथा सुनाता हूँ कि जिस पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हुई वह कैसे भव से पार हो गया, जिस पर माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हुई वह जीवन में कैसे प्रगति करता गया। माँ वैभव लक्ष्मी की ये सदियों पुरानी है महिमा, माँ वैभव लक्ष्मी की ये घर घर पहुँचानी है। सुन लो मैं सुनाता हूँ जो सुनी संतों की जुबानी है, सुन लो मैं सुनाता हूँ जो सुनी संतों की जुबानी है। ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। माँ लक्ष्मी की कृपा अनंत है, शब्दों में बांधना कठिन है। माँ लक्ष्मी जिस पर कृपा करती है असीमित करती है, जिसको देती है इतना देती है वह समेटता रह जाता है। ऐसे ही कुछ भाव आइए आगे सुनते हैं। कुशीनगर में हरिवंश नामक व्यापारी रहता था, कर्म करो है कर्म ही पूजा हर प्राणी से कहता था। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, कुशीनगर में हरिवंश नामक व्यापारी रहता था, कर्म करो है कर्म ही पूजा हर प्राणी से कहता था। समझ लिया जिसने ये सच वो सच्चा ज्ञानी है, समझ लिया जिसने ये सच वो सच्चा ज्ञानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी। भक्तों, केवल हरिवंश ही नहीं, उसकी पत्नी भी उसी के समान सुंदर, सुशील, गुणवान, धर्म के प्रति आस्था रखने वाली पतिव्रता स्त्री थी। आगे क्या क्या घटित होता है आइए सुनते हैं। पतिव्रता पत्नी थी उसकी, नाम दामिनी था जिसका, सत्य धर्म की राह पे चलना लक्ष्य था उसके जीवन का। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, पतिव्रता पत्नी थी उसकी, नाम दामिनी था जिसका, सत्य धर्म की राह पे चलना लक्ष्य था उसके जीवन का। सेवा भाव में हिचक नहीं नाना कानी है, सेवा भाव में हिचक नहीं नाना कानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी।
हंसी खुशी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश या यूं कहिए पूर्व जन्म के कर्मों के वशीभूत होकर हरिवंश कुसंगति में पड़ गया और हर प्रकार के व्यसनों में घिर गया। परिणाम स्वरूप उसका धन वैभव मान मर्यादा सब कुछ नष्ट हो गया और वो दाने दाने का मोहताज हो गया। कुसंगति में पड़ हरिवंश ने धन वैभव सब नष्ट किया। काल का पहिया ऐसे घूमा जिसने उसे पथ भ्रष्ट किया। कुसंगति में पड़ हरिवंश ने धन वैभव सब नष्ट किया। काल का पहिया ऐसे घूमा जिसने उसे पथ भ्रष्ट किया। ना घर में सुख चैन रहा ना दाना पानी है। अरे ना घर में सुख चैन रहा ना दाना पानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी भक्तों। इधर दामिनी बहुत परेशान थी, जिस कारण उसका नित्य नियम भी टूट गया था और मंदिर जाकर पूजा पाठ करना भी छूट गया था। एक दिन मंदिर में रहने वाले एक दिव्य पुरुष दामिनी की अनुपस्थिति का कारण जानने उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर दामिनी ने उन्हें बैठने को फटा पुराना आसन दिया और हमेशा अतिथि सत्कार करने वाली दामिनी को अपनी लाचारी पर रोना आ गया, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था जो उन्हें भेंट कर सके। एक रोज एक दिव्य पुरुष आ पहुंचे दामिनी के घर में। देख के उसकी दीन दशा हैरान हो पड़ गए चक्कर में। एक रोज एक दिव्य पुरुष वा पहुंचे दामिनी के घर में। देख के उसकी दीन दशा हैरान हो पड़ गए चक्कर में। प्रेम से पूछा बोलो बेटी क्या परेशानी है। प्रेम से पूछा बोलो बेटी क्या परेशानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। महापुरुष की स्नेह युक्त मीठी वाणी सुनकर दामिनी ने रोते रोते अपनी सारी व्यथा सुना दी और इस विपदा से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगी। रोते रोते दामिनी ने सब अपनी व्यथा सुना डाली। रूठ गई है खुशियाँ हमसे, रूठ गई है खुशहाली। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। ओ रोते रोते दामिनी ने सब अपनी व्यथा सुना डाली। रूठ गई है खुशियाँ हमसे, रूठ गई है खुशहाली। अनजाने में शायद हमसे हुई नादानी है। अनजाने में शायद हमसे हुई नादानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है।
सारी व्यथा सुनने के बाद उस दिव्य पुरुष ने कहा, बेटी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो जो तुम्हारे सारे दुखों का नाश कर देगा और तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां ही खुशियां भर देगा। यह सुनकर दामिनी ने व्रत की विधि जानने की जिज्ञासा प्रकट की और विधि बताने की प्रार्थना की। तब उस दिव्य पुरुष ने क्या बतलाया ये सुनते हैं। रखना ध्यान और व्रत बस दिन हो शुक्रवार का, संकल्प लो किस ग्यारह सात बार का। रखना ध्यान तुम व्रत दिन हो बस शुक्रवार का, संकल्प लो किस ग्यारह सात बार का। मन में उसे दोहराओ फिर मन्नत जो मानी है, मन में उसे दोहराओ फिर मन्नत जो मानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। फिर उस दिव्य पुरुष ने आगे यह बतलाया कि स्नान करने के पश्चात साफ सुंदर वस्त्र पहनकर सच्ची भाव भक्ति और श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान करना। करके स्नान साफ सुथरे वस्त्र पहन कर श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान धर। करके स्नान साफ सुथरे वस्त्र पहन कर श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान धर। माँ लक्ष्मी की प्रेम से मूरत तुझे सजानी है, माँ लक्ष्मी की प्रेम से मूरत तुझे सजानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। इसके पश्चात वह दिव्य पुरुष उस नारी को पूजा की विधि समझाने लगे। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा का क्या विधान है यह एक एक करके समझाने लगे। आइए सुनते हैं। पूर्व दिशा में आसन माँ लक्ष्मी का लगाओ तुम, सुंदर सा लाल कपड़ा उस पे बिछाओ तुम। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ पूर्व दिशा में आसन माँ लक्ष्मी का लगाओ तुम, सुंदर सा लाल कपड़ा उस पे बिछाओ तुम। चावल की एक ढेरी उस पर लगानी है, चावल की एक ढेरी उस पर लगानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी।
वह दिव्य पुरुष यह बतलाने लगे कि मन में यदि माँ लक्ष्मी का ध्यान ना हो तो किसी भी प्रकार का समर्पण अर्पण, भले वो फूल हो, चंदन हल्दी हो, सब व्यर्थ है। सबसे पहले माँ का ध्यान लगाओ। करके ध्यान मन में लक्ष्मी मैया को बुलाओ तुम, चंदन या हल्दी का तिलक मैया को लगाओ तुम। करके ध्यान मन में लक्ष्मी मैया को बुलाओ तुम, चंदन या हल्दी का तिलक मैया को लगाओ तुम। फूल और फलों की भेंट फिर मैया को चढ़ानी है, फूल और फलों की भेंट फिर मैया को चढ़ानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। वह दिव्य पुरुष कहने लगे, बस इसी प्रकार माँ का पूजन करते रहना जब तक कि संकल्प किए गए व्रत पूर्ण नहीं हो जाते। अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करना होगा, उस दिन खीर और नारियल का प्रसाद बनाना होगा और सात महिलाओं को भोजन करवाकर तब खुद प्रसाद ग्रहण करना होगा। इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अंतिम व्रत संकल्प का करना है उद्यापन, घर में बुला कर सुहागिनों को दो उनको भोजन। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, अंतिम व्रत संकल्प का करना है उद्यापन, घर में बुलाकर सुहागिनों को दान को भोजन। खीर चावल की प्रेम से उनको तुम्हें खिलानी है, खीर चावल की प्रेम से उनको तुम्हें खिलानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी। ये सारा वृतांत सुनकर दामिनी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत किए और पूर्ण विधि विधान से उद्यापन किया, जिसके फल स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी ने उसको धन धान्य से माला माल कर दिया और उसका पति भी कुसंगति को छोड़कर फिर से अपने कर्म करने लगा। उनके जीवन में पुनः खुशहाली और खुशियां लौट आईं। जैसे कृपा की इन पर ऐसी हो सभी पर, लिखने में या कहने में कोई चूक हो अगर। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, जैसे कृपा की इन पर ऐसी हो सभी पर, लिखने में या कहने में कोई चूक हो अगर। करना क्षमा माँ दास को नादान ज्ञानी है, हाँ करना क्षमा माँ दास को नादान ज्ञानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। तो सच्ची कहानी है।
सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरे सर्व दुख हरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवि भूति मुक्ति प्रदायिनि मंत्र पूते सदा देवि महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्र माध्यावत सूर्य चंद्र माध्यावत नारद ऋषि गाता रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुम
आवत जो कोई मैया को मनावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूर्वानंद समाता, पूर्वानंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जी को निस